अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बम गिराया तो झटके में मारे जाएंगे 12 लाख लोग, चीन और जापान में भी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच का तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पर परमाणु बम गिरा देता है तो क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका भी 83 परमाणु बम प्योंगयांग पर गिराता है तो करीब 12 लाख लोग मारे जाएंगे। आपको बता दें कि प्योंगयांग की आबादी करीब 26 लाख है, यानी करीब आधा शहर खत्म हो जाएगा और जो बचेगा उसमें भी ज्यादातर घायल होंगे। नुकमैप सॉफ्टवेयर के मुताबिक भी 83 परमाणु बम से 2 किलोमीटर के रेडियस में आग का गोला बनेगा और इस बीच में जो भी चीज आएगा वह भस्म हो जाएगा। एक्सप्रेस को अक के मुताबिक अमेरिका के पास मौज द गोला बारूदों में भी 83 सबसे शक्तिशाली बम है। इतना ही नहीं, अमेरिका चाहे तो पूरे नॉर्थ कोरिया को आसानी से खत्म कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 11,000 न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन एक और जरूरी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर बम गिराए जाने की जद में साउथ कोरिया, जापान और चीन भी आएंगे। नुकमैप के मुताबिक भी 83 गिराए जाने पर घायल होने वालों की संख्या भी करीब 11 लाख होगी। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों में युद्ध होने पर यह भी देखने वाली बात होगी कि चीन और रूस का क्या रुख होता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध के अलावा भी कई विकल्प हैं जिसे पहले आजमाया जा सकता है।